अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। होगा महकायक और हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पे हैं जनाब चौधरी खुर्शीद साहब आजाद कश्मीर से, जो आप चीफ मिनिस्टर मीरपुर भी रहे और मंगला डैम के प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी रहे। उनके साथ हैं जनाब दूरबंग सूरी साहब जो बेनजी भुट्टो साहब के एडवाइजर रहे। आज हम जिस पूरी कौम इस वक्त भिड़क रही है, बिजली के हाथों तड़प रही है गर्मी से, और जो जिन लोगों ने पैसा लूटा, जिन लोगों ने जाली प्लांट लगा दिए, अब जिस तरह कायदे आज़म सोलर पार्क लगाया गया जिसमें कैपेसिटी 100 मेगावाट थी और वो 8 मेगावाट पैदा कर रही है, लेकिन उन चोरों को, उन डाकुओं को पूछने वाला कोई नहीं, वो बैठे और उनकी एक गुलाम मसाज माफिया की मेंबर एक मैनकी वो निकालती है और कहती है कि बिजली कहाँ चली गई जी, हम तो पूरी पूरी बिजली दे के गए थे, तो ये इन्होंने जेब में डाल दी, मेरा इमरान खान जेब में डाल के ले गया। खुर्शीद साहब आप क्या कहते हैं कि ये बिजली कब तक पूरी हो जाएगी, हम आप कब तक चीखते रहेंगे? बिजली उस वक्त तक आपकी पूरी हो सकती जब तक बिजली को बनाने वाले चोर जो है वो चोरी करना छोड़ देंगे। बिजली 1 मेगावाट नहीं बनती और लाखों मेगावाट के पैसे ले जाते। आप ये आप इसका मतलब आपने उस स्टेट में कह दिया ना, क्योंकि ना इन्होंने चोरी छोड़नी है। ठीक हो गया ठीक हो गया। अब खुर्शीद साहब हम नूर मोहम्मद कसूरी साहब की सुनवाई भी सुन लें कि ये चूंकि इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के एडवाइजर रहे हैं और ये चूंकि पीपल्स पार्टी का हिस्सेदार रहे हैं, अगरचे उनकी लूटपाट में इन बेचारों को हिस्सा नहीं मिल सका, लेकिन उनकी करतूतों को जरूर बताए गए। जी कसूरी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है एहसान साहब कि हमारे हर आदमी ये सोचता है कि हमें सीधा रास्ता दिखाया, हम लोग वो हैं जो वोट देते वक्त हम चोरों को वोट देते हैं, डाकुओं को वोट देते हैं, हम अपना लीडर है फ्रॉडियों को मानते हैं और कहते हैं कि निजाम हमें खिलाफत राशिदा का चाहिए। सही बात है। तो बात यह है कि आप चने बीज कर गंदम कैसे काटेंगे। बात यह है कि जहां तक मतलब अगर गवर्नमेंट के मंसूबों का ताल्लुक है, प्लानिंग का ताल्लुक है, सोच का ताल्लुक है, मतलब गवर्नमेंट की सोच होती है, प्लानिंग होती है उनके लोगों की, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो गवर्नमेंटें होती है उनकी कोशिश होती है। लेकिन बात अब तो वो पॉलिटिकल पार्टियां भी खत्म हो गई ना वो आज दानश्वर रहे, ना आज वो पॉलिटिशियन रहे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे जो आवाम की फलाह बेहतरी की बात करते थे। अब तो जो लोग आते हैं
वो ये कहते हैं 3 करोड़ रुपए लगा के आया हूँ, 30 करोड़ रुपए कमाना है। और खास तौर पर ये जो गैर जमाती प्रोसेस शुरू हुआ इसके जरिए जो आए हैं उन्होंने तो एहसान साहब जो लूट मार मचाई, बल्कि सियासत को, क्योंकि इनका गुरु था जो जियाउल हक, वो ये कहता था कि मैं सियासत को गाली बना दूंगा लोगों के लिए। तो वाकई उनके जो कारिंदे आए उन्होंने पाकिस्तान में सियासत को गाली बना दिया है। आज आप जब किसी को फ्राडिया कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, लूटमार कहते हैं, रॉबर्स कहते हैं, तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छा फलाना बंदा है, बड़ा बड़ा सियासी बंदा है। बात यह है सर कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बात यह है कि मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे जो, ये नहीं कि यहाँ रेगुलेशन के इदारे नहीं है, नेपरा है, पेपरा है, मतलब ओगरा है, मतलब हमारे हर सेक्टर के लिए रेगुलेटर है। लेकिन उन रेगुलेटर्स ने रेगुलेशन को छोड़कर और दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए। जब रेगुलेटर का किरदार वीक होगा तो आप उनसे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो इदारे हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन चलेंगे। अब देखें, अब हम ये कह, हमारे जो दोस्त हैं चाइना, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जरूरियात का जायजा लेते हुए, एहसास करते हुए पाकिस्तान को कहा कि हम बेल आउट पैकेज देते हैं आपको, आपकी बेहतरी के लिए हम पैसे देते हैं, आप प्लानिंग करें जितनी आपको जरूरत है। हमने उस वक्त बजाय इसके कि भाषा डैम को मतलब करते दूसरे डैम को हाइडल की तरफ जाते, हमने महंगा तरीन जो सिस्टम है हाइडल के बजाय हमने थर्मल का इख्तियार किया। और थर्मल भी वो 2-3 किस्म, कोल पावर और दूसरा ये फर्नेस से चलने वाला। कोल पावर का ये हाल है कि अक्वामे मुतहदा ने पाबंदी लगा दी है कि इससे इन्वायरमेंट नुकसान होता है और ये और सेहत के जो मसाइल हैं वो पैदा होंगे। चाइना ने वहाँ 3 लाख मेगावाट जो कोल के जो पावर वो डिसमेंटल किए और वो इधर की तरफ हमारे जो यहाँ लोग थे नेगोशिएटर, जब नवाज शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ, जब यहाँ लोग कहते थे यार शहबाज शरीफ से ज्यादा कोई सियाना नहीं, इस वक्त वजारत दफा भी वही चला रहा है, वजारत खारजा भी वही चला रहा है, वाटर पावर को भी वही चला रहा है। और चाइना के साथ तो देखे जी उसके इतने ताल्लुकात हैं कि वो एक चाइना और वो एक ही बने। चाइना के जो अंडर सी पैक प्रोग्राम के एहसान साहब, यहाँ 6,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट $20 अरब के, उसमें सबसे पहले तो इन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के किए, ये मुख्तसर मुद्दत का कर्जा और कमर्शियल लोन लिया गया बजाय इसके कि स्टेट टू स्टेट हम लेते। उसके बाद ये है कि इन्होंने जो मशीनरी इंपोर्ट की वो डी स्टैंडर्ड और स्क्रैप में दी। उसके बाद उस क्या हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए बड़ी मुश्किल से, तो जो नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम इनकी इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ये 30 साल के बजाय पाकिस्तान ये 3 साल भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए एहसान साहब मैं ये समझता हूँ ये जो तबाहकारियां शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ के खानदान ने जो शुरू की थी वो पाकिस्तान के अवाम है 30 साल तक भूल जाए कि आपको सस्ती बिजली मिलेगी और क्वांटिटी के मुताबिक मिलेगी और बेहतर रास्ता। इसमें तो बड़ा एहसान साहब ये हुआ है पाकिस्तान में कि ये जो $20 अरब के जो प्रोजेक्ट लगे हैं इनकी जो रीपेमेंट का शेड्यूल है वो 2023 से शुरू होगा और 2030 तक हमने कंप्लीट, उस वक्त तक हम $45 अरब उनको दे चुके होंगे। मैं ये वो जो प्रोजेक्ट है यहाँ पावर के जो अपना कायदे आजम सोलर पावर 1,000 मेगावाट का है वो 8 मेगावाट पैदा कर रहा है, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है 1,250 मेगावाट का है वो कभी 200 कभी 150 कर रहा है, वो हवेली बहादुराबाद में जो पावर प्रोजेक्ट है वो हमारा मुस्लिम पार्ट होते हैं। आप अपनी पार्टी को क्यों माफ कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के 2 दफा सरदारी साहब ने पैसे लिए हैं, वो पार्टी मेरे पास मौजूद है जिन्होंने इंजीनियरिंग की, जिन्होंने एक जगह प्लांट लगा के उसकी पेमेंट की, फिर उन्हें कहा गया कि ये उखाड़ के आप यहाँ सिंध में पांच जगह दे, मरियम है, कोई है, आप इनके खिलाफ बिला तकसीस क्यों नहीं
सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आप जैसे बर्करों पे फूलों के हार फेंक दिया, डाकुओं पे, चोरों पे, लुटेरों पे, उनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिपाही अगर खड़ा हो जाए ना आर्मी का आगे, ना इनके आगे कोई मतलब फूलों के हार डालेगा, ना इनके गले में बल्कि भूतों के हार डालेगा। खुशी साहब आपके खुशी साहब की बात सुन ली, आपकी राय दे जी। जी लेकिन अब आए आए की जगह ये नहीं हो गया खाई खाए लेकिन आवाम भी तो उन्हें शह दे रही है ना, खाओ भी सारे। आवाम भी तो यही कह रहे हैं खा लो, हमें लूट लो, हमें मार दो, हमारे बच्चों को मस्तपुरी लूट लो, हमारी खुराक खा जाओ, लेकिन हम तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारे गिरेबान तक कब जाएगा खुशी साहब। आपका बहुत शुक्रिया एहसान साहब, एक मिनट में बात कर खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। एहसान साहब एक मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। एक इसके साथ जो इतना कुछ हो रहा है पार्सल, उसके साथ ये हो रहा है कि 3 साल से मुसलसल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बजाय ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसमें भी बिलियन ऑफ रुपीस के फ्रॉड है। इसको दूसरे ये हुआ है, हम लोग जो आवाज उठा दुनिया का एक बहुत बड़ा मैगजीन है फाइनेंशियल टाइम्स, यूके से बेस्ड है, लीडिंग पेपर है वहां का, इंफ्लुएंशियल पेपर है, उसमें पूरी स्टोरी छापी है कि पाकिस्तान में जो अंडर सी पैक ये जो प्रोग्राम ये शुरू हुए हैं, इनमें बिलियन ऑफ डॉलर, एक ही जो कोर्ट कासम में पावर प्रोजेक्ट है, कोर्ट पावर प्रोजेक्ट 3.5 अरब डॉलर की सिर्फ उसमें ही एक्सेस पेमेंट्स ज्यादा दी गई है। तो अगर उसको ही आप लगा दें तो जब ये 2040-30 तक जाएंगे तो आपको तो 50 अरब डॉलर सिर्फ रीपेमेंट का, बाकी इनका जो लॉस है डेली का और कॉम का उसको तो आप कोई कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, वो तो वो डॉलर में और जाएगा जो पाकिस्तान में ये क्या अंडर कैपेसिटी ये काम कर रहे हैं, कैपेसिटी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ये सब लॉस में जा रहे हैं प्रोजेक्ट। और ऑपरेशन के लिए इन्होंने एक और काम किया कि ऑपरेशन भी एहसान साहब मैं बताऊं, इन्होंने एक और चाइनीज कंपनी को दे दिया है ताकि इनकी नाइलियां, इनकी करप्शन और इनके दूसरे मिसमैनेजमेंट है वो छुप सके और ताकि आवाम को पता ना लगे और ताकि लोगों को ये एक शेल्टर मिल गया है, अम्ब्रेला मिल गया है कि वो तो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान के दोस्त की कंपनी है इसलिए हम आगे उसके मुताबिक कोई बात नहीं सकते। वो चाइना की कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो कोई गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने मुकर नहीं की, हमने उसको मतलब है कि जहाँ रुपये का ठेक और जो ऑपरेटिंग का उसका ठेका था, पाकिस्तान की कंपनियां हमारे इतने इतने बड़े इंजीनियर बैठे हैं जो 20,000-30,000 मेगावाट ऑलरेडी चला रहे हैं, वो इसको वापदा के मारा जो है इंजीनियर्स वो भी चला सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हमने यहाँ लोकल पोटेंशियल को दिया तो हमारी ये कबाहतें लूट मार करप्शन ये सामने आएगी, इसलिए उसका ऑपरेटिंग का एक ठेका है बिलियन ऑफ रुपीज में चाइनीज कंपनी को दे दिया। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आप वो दोबारा तकलीफ देंगे क्योंकि बिजली का बुरान तो ख़त्म नहीं होगा, जो कुछ ये लूट मार करके गए हैं दोनों पार्टियां, इनकी करतूतें, इनकी जो जाली वाले थे, इनकी जालसाजियां, आवाम अपने कंधों पे उठाए बेचारी इससे जिंदा रहेगी और चूके
चूंकि हमारे लोगों को भी गुलामी का पटा गले में डालने का बहुत शौक है, इसलिए वो इनकी गुलामी बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। नाज़रीन, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी को खुदा का खौफ कर लें, इन चोरों के, इन डाकुओं के असल चेहरे पहचान लें, इनके चेहरे से नकाब उतार फेंके, और जब आपको इनकी करतूतों सबका पता चल गया, आपको नहीं पता कि कौन जालसाज लंदन के कौन से महलों में रह रहा है, किस जालसाज ने सारे महल से इनकार किया फिर बेचा भी, किस राजा रेंटल ने कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा खाया, नंदीपुर का प्रोजेक्ट अभी कसूरी साहब ने बताया तो उसके साथ क्या हुआ, सोलर पार्क बहादुरपुर का प्रोजेक्ट किस तरह बर्बाद हुआ, और फिर ये किस बेशर्मी बेगैरती ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम तो बिजली पूरी करके गए थे। अफरीन अफरीन। नाज़रीन, इन्हें पहचान लें, खुदा का वास्ता इन्हें पहचान लें, वरना आप अपने बच्चों को भी पहचानने से जाएंगे और बच्चे आपको पहचानने से इनकारी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।